अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल ज़मीर, ऑनलाइन सीखना डॉट कॉम की जानिब से। इस क्लास में हम बात करेंगे कि अगर आपने एक ब्लॉगर पर ब्लॉग बनाया है तो अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, कोई रीज़न है ठीक है या कोई वजह है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीका है। तो ये देखें ना, ये मेरे पास तीन ब्लॉग हैं, एस सी ट्यूटोरियल इन उर्दू, लर्न फिज़िक्स और लर्न कंप्यूटर कोर्सेज। तो लर्न फिज़िक्स पर मैं आता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये नज़र भी करा दूँ ठीक है कि ये किधर है। तो व्यू ब्लॉग पर मैं आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ, ये बिल्कुल रफ़ है, इसको मैंने वैसे वो किया था तो इसी को मैं डिलीट कर रहा हूँ ठीक है। तो क्या करूँगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सेटिंग बार आ जाऊँ, सेटिंग बार आने के बाद मैं आ जाऊँगा हाँ कहाँ पर आ जाऊँगा, अदर पर ठीक है। अदर पर जैसे आएँगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि रिमूव योर ब्लॉग, अब यहाँ से ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिमूव हो जाएगा ठीक है। बिफ़ोर यू आर वॉन्ट टू एक्सपोर्ट इट, ना हम इसको नहीं करना चाहते। आप अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये आप वर्डप्रेस पर जाकर आप या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं उसको ठीक है। फिर आपकी जो पोस्टें होंगी, पोस्टें होंगी, कमेंट्स होंगे, जो भी होगा पेजेस होंगे, वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइग्रेशन हो जाएगी आपकी ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट दिस ब्लॉग ठीक है, डिलीटेड हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसको ये थोड़ा प्रोसेस कर रहा है, इसको प्रोसेस करने दें। अच्छा जी हाँ, ये हो गया है लेकिन ये परमानेंट नहीं हुआ। अब मैं इस तरह करता हूँ कि दोबारा मैं ये देखिए यहाँ पर होगा लर्न फिज़िक्स ठीक है, ऐसे जहाँ पर आता हूँ उस पर क्लिक करता हूँ तो अच्छा जी ब्लॉग डिलीटेड, ये आज की हमें बता रहा है, डेट बता रहा है कि इस उसको ये डिलीट किया गया था, अभी ये रिमूव हुआ, डिलीट नहीं हुआ ठीक है। इसको हम अनडिलीट करेंगे तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। तो मैं इसको परमानेंट डिलीट करता हूँ ठीक है, परमानेंट डिलीट करता हूँ तो ये दोबारा कह रहा है, परमानेंट डिलीट कर रहा है ना, तो ये दोबारा नहीं होगा ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर आएँ तो ये बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहा, वो गायब हो गया है, बिल्कुल वो ख़त्म हो गया है। जैसे आप इस पर रिफ़्रेश करें तो ये कह रहा है कि हमें ये ब्लॉग नज़र आ भी नहीं रहा ठीक है। तो इस तरह आप अपने ब्लॉगर के जो ब्लॉग होता है आप डिलीट उसको कर सकते हैं, परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। ये गूगल के जो डेटाबेस होता है वहाँ से भी ये रिमूव हो जाता है ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, थैंक्स टू वॉचिंग दोस्तों।